फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं पेड़े, जो कि खाने में सबको बहुत ही पसंद आते हैं। आज हम पेड़े घर पर बनाएंगे, चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पेड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है मावा या खोया, जिन्हें मैंने क्रम्बल कर लिया है, तगार या बूरा। दोस्तों, तगार या बूरा आसानी से बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन आप इसे घर में बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। मैंने यहाँ पे घर का बना हुआ तगार यूज किया है, और इसको बनाने की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं कि तगार कैसे बनाया जाता है। और दूध, घी, बादाम, इसके अलावा आप और भी मेवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता, काजू या गरी, जो भी आपको पसंद हो अपनी पसंद के अनुसार, और इलायची पाउडर। दोस्तों, पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें हम क्रम्बल किया हुआ मावा डालेंगे। दोस्तों, अब हम इस मावा को थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, हल्का सा भूनेंगे। दोस्तों, इस तरह से हम इसे हल्का भूने हैं। अभी हमने इसको, ये थोड़ा थोड़ा मुलायम पड़ने लगा है हमारा मावा जो है। अब हम इसमें, दोस्तों अब हम इसमें हल्का सा घी मिलाएंगे, जिससे कि ये दानेदार बनते पेड़े, और इसमें ज़्यादा स्वाद आ जाता है और ये कढ़ाई में चिपकता नहीं है। इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी मुलायम हो गया है मावा। अब इसे हम बराबर भूनेंगे, जब तक ये मेरा हल्का लाल या ब्राउन शेप में हो जाता है। इसे हम तब तक लगातार चलाते रहेंगे। दोस्तों, जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा लाल, तब हम इसको गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, अब हमारा ये खोया भून के तैयार हो गया है। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, हल्का लाल। अब हम इसे, ये ठंडा भी हो गया है, इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे और तगार मिलाएंगे। आप बूरा जो है अपनी मनपसंद के अनुसार कम या ज्यादा मिला सकते हैं। दोस्तों, वैसे हम यहाँ पे पीसी चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बूरा मिलाने से पेड़े और भी अधिक अच्छे बनते हैं, और जो स्वाद बूरा मिलाने से आता है वो पीसी चीनी के मिलाने से नहीं आता है। अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पे ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, थोड़ा ज़्यादा सूखा हो गया, इसमें हम हल्का सा घी मिला सकते हैं, ताकि मेरे पेड़े सही से बन सकें। दोस्तों देखिए, ये पेड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी पेड़े भी बना लेंगे। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हमारे ये पेड़े बनके तैयार हैं। इसी तरह से हम बाकी पेड़े भी बना के तैयार कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, अब हमारे ये पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इसे बादाम से गार्निश कर दिया। आप किसी और भी मेवे से गार्निश कर सकते हैं, जैसे कि पिस्ता वगैरह। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।